ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाले काले के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार सिद्ध गुरु गुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का रुद्रावतार श्रृंखला का एक विशेष मंत्र है जो समस्त प्रकार की पर विद्या यानी शत्रु के द्वारा भेजी गई विद्या, तंत्र, भूत, प्रेत, पिशाच, दूसरे के द्वारा जो नज़र लग जाती है वह चेटक विद्या, इसके अलावा सभी प्रकार के ग्रहों को शांत करता है और भूत प्रेत तंत्र बाधाएं इन सबका निवारण करता है। डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस जैसे व्याधियों का भय यह मंत्र समाप्त कर देता है। सभी प्रकार के तंत्र जो शत्रु के द्वारा भेजे जाते हैं उन सब का यह मंत्र शोषण कर लेता है। वैसे तो हम तीन मंत्रों के संगम की आपको विधि बताने वाले हैं, चाहें तो इनमें से एक मंत्र की विधि भी सेम विधि से आप कर देंगे तो आपको लाभ हो जाता है। लेकिन आप यदि भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, शत्रु के द्वारा भेजी गई तंत्र विद्या से परेशान हैं, जादू टोना से परेशान हैं, तमाम प्रकार की डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस मसान जितनी भी प्रकार की गंदी मैली कुचेली बाधाएं होती हैं इन सब बाधाओं से परेशान हैं, तो हनुमान जी महाराज की रुद्रावतार श्रृंखला जो कि बहुत आसान होती है और इनकी विधि भी बहुत आसान होती है, इनकी विधि यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित है कि इन सब बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज इस कराल काल कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है और इनके मंत्रों की जो रुद्रावतार की श्रृंखला है यह तुरंत ही फलदायी मानी जाती है। इतनी शीघ्र गति से कार्य करती है कि आप इस मंत्र का जापन कर लें, पाठन कर लें, श्रवण कर लें, चाहे विधि कर लें, किसी भी तरह इस मंत्र का आप प्रयोग करें, आपको लाभ तत्क्षण ही देखने को मिलेगा और भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पर विद्याएं जो होती हैं इनका समापन तो निश्चित रूप से परमानेंट ही हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग में किसी भी बुरी बाधा को बख्शते नहीं हैं, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति का समापन कर देते हैं। चलिए हनुमान जी महाराज की रुद्रावतार श्रृंखला के इन मंत्रों का हम आपको आज विधि विधान बताने वाले हैं। कई लोगों ने सवाल किए थे कि मंत्र तो आपने श्रवण करने के लिए उपलब्ध करा दिए, इनका हम प्रयोग कैसे करें, तो हम आपको बता दें रुद्रावतार श्रृंखला सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखाती है, तो यदि आप श्रवण कर रहे होंगे तो आपको इनकी शक्ति का एहसास हो गया होगा, कहीं ना कहीं आपको राहत महसूस हो गई होगी। लेकिन आप इसमें थोड़ी सी विधि यदि कर लेते हैं तो निश्चित ही मानिए कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, खासकर शत्रु के द्वारा जो उल्टे सीधे कृत्य किए जाते हैं तंत्र को लेकर, ये सारे कृत्य समाप्त हो जाएंगे और सभी प्रकार की बुरी बाधाएं समाप्त हो जाएंगे। चलिए हनुमान जी महाराज के इन तीनों मंत्रों का एक बार श्रवण करते हैं। इन मंत्रों का आपको लगातार यदि 108 बार तीनों मंत्रों का संगम सुनना है तो इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको इसका श्रवण मिल जाएगा, और निश्चित ही मानिए कि श्रवण करने से ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन 20 से 25%, किसी किसी को 50% और किसी किसी को 100% राहत मिल जाएगी। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सुनने भरे से ही उनकी बाधाएं परमानेंट समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की रुद्रावतार श्रृंखला तत्काल ही प्रभाव दिखाती है। चलिए मंत्र का श्रवण करते हैं और फिर इसकी हम आपको शॉर्ट में विधि बताते हैं जो आप कर पाएं, ऐसी विधि बताएंगे जो आप कर पाएं और जो हम करते हैं वही विधि बताएंगे, अलग से आपको कुछ और नहीं बताने वाले। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और डिस्क्रिप्शन में हम मंत्र लिख देंगे तो आप देख लीजिएगा, बाकी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ चाहिए तो इस वीडियो से पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा जहां हमने यह मंत्र श्रवण के लिए उपलब्ध कराया है, तो स्क्रीन पे भी आपको साथ साथ में लिखा हुआ मिलेगा तो आपको कंठस्थ करने में आसानी होगी। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय परकृति यंत्र मंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच पर दृष्टि सर्व विघ्न तर्जन चेटक विद्या सर्व ग्रह भयम् निवारय निवारय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस कुल पिशाचोर भयम् निवारय निवारय
स्वाहा। ओम नमो हनुमते सम 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 सकल तंत्राणि शोषय शोषय स्वाहा। ये अपने तीन मंत्र हो गए, तीन मंत्र, एक मंत्र नहीं है, ये तीन मंत्र हैं और इन तीनों मंत्रों के संगम का ही आपको पालन करना है। यदि बाधा से आपको मुक्ति पानी है तो इन संगम को आप लेके चलेंगे। वैसे एक मंत्र में भी आपका कार्य हो जाएगा, आप खाली एक मंत्र में से लेंगे उसी में आपका कार्य हो जाएगा। जैसे आम भूत प्रेत बाधा नजर टोना टोटका ये तमाम प्रकार की छुटपुट बाधाएं होती हैं, इन मंत्रों से आप झाड़ा लगा देते हैं तो निश्चित ही तत्काल ही आराम मिलेगा सिंगल मंत्र से। लेकिन तीनों मंत्रों का एक साथ आप प्रयोग करेंगे तो अति लाभ देखने को मिलेगा, मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सारे कांड एक ही बार में हो जाएंगे। मंत्र हो गए, अब तीनों मंत्रों को बढ़िया से स्क्रीन पर देख के आप कंठस्थ कर लीजिएगा। इस वीडियो से पहले वाला वीडियो देखिएगा, सुनने से ही लाभ करता है मंत्र, इसलिए हम सुनने के लिए आपको फोर्स करते हैं। रुद्र अवतार श्रृंखला का कोई भी मंत्र हो, इस श्रृंखला में बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र हो इन मंत्रों का आपको श्रवण कर लेना चाहिए। और ये मंत्र क्या है, सुनने से लाभ दे देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसकी जब हम विधि करेंगे तो पूरा लाभ हमको मिल ही जाएगा। हनुमान जी महाराज के इन मंत्रों को पहले तो आप कंठस्थ कर लीजिए, बढ़िया से स्क्रीन पर देख के करिए या डिस्क्रिप्शन में देख के करिए, जैसे करना हो कंठस्थ कर लीजिए। किसी भी मंगलवार के दिन, सावन का हो, भादों का हो, कुंवार का हो, कातक का हो, कोई भी मंगलवार हो, ठीक है, किसी भी मंगलवार के दिन बढ़िया से सुबह स्नान ध्यान करिए, हनुमान जी महाराज के पास जाइए, उनके दर्शन करिए, प्रयास करिए यदि संभव है तो उनके ऊपर सिंदूर तेल धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करिए। नहीं आप कर सकते तो किसी ब्राह्मण से मंदिर में होते ही है उनसे आप करवा सकते हैं कि महाराज ये हमारी तरफ से सिंदूर चमेली का तेल अर्पण करना है, भगवान को प्रसाद अर्पण करना है। प्रयास करें कि वस्त्र भी आप अर्पण कर पाए। इसके बाद आप ये प्रयास करें कि मंदिर में कहीं आपको इस मंत्र का जप करने मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मंदिर का वातावरण जो होता है वो अलग होता है, वहाँ हमारा मन एकाग्र बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए मंदिर में यदि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हर मंदिर में ये व्यवस्थाएँ नहीं होती, भीड़ भाड़ होती है और सब व्यवस्थाएँ वहाँ ठीक ठाक नहीं होती, लेकिन एकांत में कोई मंदिर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लीजिए, अति लाभ होगा। लेकिन नहीं मिलता है मंदिर तो घर में अपने हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करने के बाद उसको भी स्नान ध्यान कुशा के सहारे करवाइए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें भगवान को अर्पण करिए। साधारण पूजा देखिए आपको आती होगी, भगवान को यदि आप मानते हैं तो थोड़ी छुटपुट पूजा आप करते ही होंगे, तो थोड़ी जितनी आपको पूजा आती है उतनी करिए। इसके बाद भगवान शिव प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए, उनके दाहिने तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, बाएं तरफ उनका नैवेद्य और प्रसाद नारियल जो भी आपको चढ़ाना हो वो आप रख लीजिए। इसके बाद अपने आसन पर बैठ जाइए, माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की हो या कमलगट्टे की माला हो, कोई सी भी आप माला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इन मंत्रों को आप निरंतर जाप करना शुरू कर दीजिए, निरंतर, मतलब ये नहीं कि सिंगल सिंगल मंत्रों का, हम संगम आपको बता रहे हैं, चाहे तो आप सिंगल सिंगल मंत्र का जाप कर सकते हैं, लाभ उसमें भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारा परीक्षण है हमने इस पर रिसर्च किया है तो तीनों मंत्रों का एक साथ यदि आप प्रयोग करते हैं तो अति लाभ होता है। तीनों मंत्रों को एक साथ आप पढ़िए और कम से कम इनकी तीन से चार माला आप कर लीजिए। यदि आपके पास समय है पर्याप्त तो 11 माला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा मानना यह है कि तीन माला भी आप करते हैं इसकी तो इतने में भी आपको संपूर्ण लाभ हो जाता है। लेकिन 11 माला करेंगे तो अति लाभ होगा, क्योंकि इसका विधान 11 माला के ही है। लेकिन देखिए हम कलयुग की प्राणी हैं, सबके पास समय नहीं होता, भले हमारे पास कोई काम ना हो, हम बेरोजगार हों, फिर भी लोग आजकल व्यस्त रहते हैं, भगवान की तरफ फिर भी नहीं ध्यान देते। तो ये हम आप आज के वातावरण की स्थिति बता रहे हैं कि आदमी खाली पी लिए सोएगा, पड़ेगा, मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, भगवान की तरफ मन नहीं लगाएगा। उतने समय में भगवान की तरफ मन लगा ले तो कुछ ना कुछ उसे हासिल हो जाएगा और उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हो सकता है भगवान की कृपा हो तो उसकी बेरोजगारी भी दूर हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि भूत प्रेत नाशक मंत्र हम आपको श्रवण करा रहे हैं, भूत प्रेत नाशक मंत्र की विधि बता रहे हैं तो इसमें रोजगार नहीं मिल सकता। हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करिए, सब कुछ संभव है महाराज के कारण, ठीक है। तो बढ़िया से इनका जाप करिए, प्रयास करिए 11 माला कर पाएं तो अच्छी बात है, नहीं तीन माला, पाँच माला, सात माला भी आप करके छोड़ सकते हैं। जितना भी आप जाप करें उसके बाद उसका हवन जरूर करें, शुद्ध घी के साथ, हवन सामग्री के साथ, और पलाश की लकड़ी का ध्यान रखें, पलाश की लकड़ी अनिवार्य है इसमें, संविदा और बाकी आप अपने स्तर से ले सकते हैं। तो बढ़िया से हवन कर दें, कितना हवन करें, यदि देखो तीन माला करते हैं तो 50 बार हवन कर दीजिए, सात माला पाँच माला करते हैं तो भैया और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, और 11 माला करते हैं तो एक माला पूरी हवन कर दीजिए। आप अपनी इच्छानुसार थोड़ा सा हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हवन के बाद
बढ़िया से हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि भगवान मेरे से जो भूल चूक हुई हो उसको क्षमा की जाए, हमारी क्रिया में कोई भूल हुई हो तो वो क्षमा किया जाए, हम कोई सामग्री नहीं चढ़ा पाए हों तो उसके लिए क्षमा किया जाए। अपने शब्दों में आप भगवान से क्षमा मांगिएगा और प्रार्थना करिएगा कि महाराज इन शब्दों में जिनका हमने जाप किया है, अब गलत है या सही है हम तो कलयुग के प्राणी हैं नहीं जानते, लेकिन इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें भगवान कि हमारी बाधा का हरण हो जाए, और जिसके ऊपर पढ़कर इन मंत्रों से हम फूंक लगा दें, जिसके ऊपर इन मंत्रों को पढ़कर हम जल का छिड़काव कर दें, जिनके ऊपर पढ़कर इन मंत्रों से झाड़ा लगा दें, उसको तत्कालिक आराम हो और उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएं। इस तरह प्रार्थना करते हुए अपने आसन के नीचे जल छिड़किए, जल का अपने तिलक कर लीजिए आसन के नीचे वाले जल का, और बढ़िया से आप उठ जाइए। शांति पाठ आता है तो अच्छी बात है, कर लीजिए, नहीं तो शब्दों में ही आप शांति पाठ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आसान होता है शांति पाठ, इंटरनेट पर देख लीजिएगा, गूगल पर मिल जाएगा शांति पाठ कैसे किया जाता है। ओम धम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्व देवा शांति, सर्वयोग शांति, शांति रेदि शांति, ओम शांति 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 सर्वष्ट शांतिर्भवतु, मतलब आसान पाठ होता है, आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप देख लीजिएगा। इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, और जो नित्य कर्म क्रियाएँ करते हैं उनको ये छोटे मोटे पाठ याद रहते हैं, तो अपने हिसाब से शांति पाठ करके उठ जाए। इसके बाद आपको जब भी लगता है कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, मित्र के ऊपर या किसी भी असहाय व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, अति ज़्यादा पिताड़ित है वो व्यक्ति तंत्र बाधाओं से, किसी ने चला रखी है कोई विद्या, किसी ने खिला रखी है कोई विद्या, निश्चित मानिए हनुमान जी महाराज का मंत्र है खिलाई पिलाई चलाई सब विद्याओं का शमन हो जाता है, और यह पर विद्या को नष्ट करने के लिए ही मंत्र माना जाता है। तो बढ़िया से इस मंत्र का 11 बार पाठन करिए, और 11 बार पाठन करते हुए जल का छींटा लगा दीजिए, जल में फूंक मार के व्यक्ति को जल पिला दीजिए, जल में फूंक लगाने से पहले उसमें कमल का एक बीज जिसे कमल गड्ढा कहते हैं वो जरूर डाल लिया करिए, ये अच्छा माना जाता है। और उसको झाड़ा लगाने के बाद आक, करबीर और पनस, ये तीन बूटी होती हैं, सर्वसिद्ध औषधि मानी जाती हैं, हर चीज़ में इनका उपयोग होता है पूजा पाठ में, सर्वसिद्ध औषधि है आक, करबीर और पनस, तीनों को बढ़िया रविवार के दिन उखाड़ कर सुबह सुबह और इनकी रख लीजिएगा अपने पास, जब भी ज़रूरत हो जिसको भी आप झाड़ा लगाएं ताबीज में थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े इनके डाल दीजिए, हनुमान जी महाराज के नाम का होम या हवन जो भी आप लगाना चाहें पांच आहुतियाँ देके उसकी थोड़ी सी भस्मी उठा के उसी ताबीज में डाल दिया करिए और पहना दिया करिए, टन हो जाएगा व्यक्ति एकदम निश्चित मानिए। देखिए ये सारी चीज़ें विश्वास से कार्य करती हैं, मंत्र के ऊपर आप विश्वास करेंगे, श्रद्धा बनाए रखेंगे तो मंत्र करंट की गति से काम करेगा, और आपकी श्रद्धा जहाँ डगमगाती है, मंत्रों के प्रति श्रद्धा नहीं होती, शब्दों के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तो ये लिखे हुए शब्द हैं किताब के और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनके प्रति श्रद्धा बनाइएगा, और श्रद्धा जब बनाएंगे तो इनमें अपने आप ही ऊर्जा आ जाएगी। एक बात और, जो लंबे समय से व्यक्ति परेशान है तंत्र मंत्र बाधा से, शत्रुघात से, ऐसे व्यक्तियों को इसका नित्य प्रतिदिन जाप करना शुरू कर देना चाहिए, उसे कोई विधि नहीं करनी है, कोई क्रिया नहीं करनी है, बस एक दीपक जला लिया, एक नरियल भगवान के बाजू में रख दिया, चाहे तो लंबे समय तक जगना है तो रखे रह दीजिएगा, मिश्री स्त्री का थोड़ा बहुत भोग लगा दीजिए, धूप दीप जो भी आपके पास घर में खाना बनता है वो सारी चीज़ें भगवान को अर्पण करने के बाद कम से कम एक माला नित्य प्रतिदिन आप जाप करना शुरू कर दीजिए। 41 दिन तक जाप करने का प्रयास करिए, देखिएगा आपको 10 से 11 दिन तो परिवर्तन नज़र आ जाएगा, और 41 दिन में 20 साल पुरानी आपकी तंत्र बाधा खत्म हो जाएगी। इसका विशेष परीक्षण किया है इस विषय में हमने, ऐसी साध बाधाएं लाखों जगह वो लोग गए होंगे, ऐसी ऐसी जगह जिनका हम नाम नहीं बता सकते कि ऐसी ऐसी जगह गए हैं वो लोग कि वहाँ से उनको राहत कितनी मिलती है, एक दिन की, दो दिन की, महीने भर की, तीन महीने की, इसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। लेकिन इस मंत्र का उन्होंने 41 दिन तक लगातार एक माला जाप किया, समझ लो उनकी बाधा पूरी तरह समाप्त हो गई है, अब 10 साल गुजर गए हैं उनके ऊपर अब बाधा नहीं है, ठीक है। तो 41 दिन तक लगातार जाप करिएगा, और लास्ट में दिन उसका जो भी है टोटल करके बढ़िया हवन कर दीजिएगा, दो चार कन्या भोज करा दीजिएगा, एक आध ब्राह्मण भोज करा दीजिएगा, बस इसकी क्रिया आपकी संपन्न हो जाएगी। आपको कोई टोटा टोटका नहीं करना है कि झाड़ा करना है, खुबी करना है, 41 दिन तक मात्र निरंतर जाप करना है, तो आपके समस्त प्रकार के कार्य हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का तंत्र हो, कितना बड़ा राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, डाकनी साकनी मशान की बाधा हो, मैली गंदी कुचैली बाधा हो, सबका समन हो जाएगा आपके जाप करने मात्र से। लेकिन अब हम साधक हैं, कई लोग जो झाड़ा फूंकी कार्य करते हैं तो उनके लिए विधि विशेष है, मंत्र को बढ़िया कंठस्थ करिए, जाप करिएगा, हवन करिएगा और निसंकोच इससे झाड़ा लगाइएगा। और यकीन नहीं आता है आपको कि सिद्ध करने के बाद, मेहनत करने के बाद यज्ञ परिणाम देगा मंत्र, तो बिना सिद्ध किए हुए
सिर्फ इस मंत्र को कंठस्थ करिएगा और जल पढ़ के पिला दीजिएगा आप रोगी को, जो भी हो, भूत प्रेत आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को, सिर्फ कंठस्थ करिएगा और उसको इस मंत्र से 11 बार पठन करते हुए जल पिला दीजिएगा। यदि 10 सेकंड के अंदर आराम नहीं लगा तो हमको फिर फोन लगा के बोलिएगा, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर करंट की गति से ये मंत्र कार्य करेंगे, चाहे डाकनी हो, शाकनी हो, ब्रह्म राक्षस हो, पिशाच हो, भूत प्रेत हो, चाहे चलाई गई विद्या हो, सब में जुड़ंतन आराम लगेगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात आप समझ गए होंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा बाढ़ आई हुई है, मंदिर अंदर में सब कीचड़ भरा पड़ा है, सफाई चल रही है, तो थोड़ा सा व्यस्तता है, इसलिए कई दिनों से हमने वीडियो दिए नहीं। टेलीग्राम में भी संपर्क अभी बंद है और ऑनलाइन भी हमारी डेड है, तो फोन संपर्क भी बंद है। एक दो दिन में सारी सेवाएँ सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी, तब तक आप हमारा सहयोग करें, चैनल में विजिट करें, कम से कम लाइक करें, एक कमेंट कर दें, जय श्री राम तो लिख ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। और वैसे हमारा निवेदन तो है, आज तक जिनको भी हमारे मंत्रों से फ़ायदा हुआ है, जो भी अपने आप को हमारा शिष्य मानते हैं, ऐसे लोग कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे, ताकि वीडियो की ग्रोथ थोड़ा सा अच्छी होती रहे, तो हमारा भी मन बना रहे कि आगे आने वाले समय में हम आपके लिए छांट छांट के कुछ चीज़ें विशेष ऐसी दें, क्योंकि जल्दी ही कुमार वाली नवरात्रि आने वाली है, तो हमारा भी मन लगेगा आपके प्रति मेहनत करने को। जब आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हम आपसे धन तो मांग नहीं रहे हैं कि आप हमें धन दे दीजिए, हम इतना ही मांग रहे हैं वीडियो विजिट करिए, वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें कमेंट पढ़ के संतोषी हो। और आप वीडियो जब विजिट करेंगे तो उसका ग्राफ ऊपर रहेगा, तो स्वाभाविक है कि जब ग्राफ ऊपर रहेगा तो चैनल हमारा बढ़ता रहेगा, और चैनल बढ़ता रहेगा तो स्वाभाविक है मेरा मन भी लगा रहेगा काम करने में, और जब चैनल ही डाउन हो जाएगा तो मेरा मन नहीं लगेगा काम करने में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में लिख दीजिएगा, तो जैसे ही हमें समय मिलेगा हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ़ोन एक दो दिन हो सकता है संभव ना हो पाए, जल्दी ही रिपेयर हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो आपसे संपर्क होने लगेगा।